नई पैकेजिंग के साथ, नए अवतार के साथ एक बार फिर से इस स्कॉच ने मार्केट के अंदर एंट्री करी है। लेकिन अब आप लोग बोलोगे कि यार ये स्कॉच तो ऑलरेडी मार्केट में थी। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, थी, है और आगे भी रहेगी दोस्तों। लेकिन इस बार एक नए प्रारूप के अंदर ये विस्की की बॉटल मार्केट के अंदर आई है एक दूसरे ही दरवाजे से। तो आज के हमारे इस ब्लेंडेड स्कॉच भरे एपिसोड के अंदर मैं स्वागत करना चाहूंगा आप सब लोगों का व्हील्स ऑफ विस्की के आज के हमारे इस मंच पे। और जिस बॉटल का आज हम रिव्यू करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, जिसके आज हम टेस्ट एंड नोजिंग नोट चेक करेंगे दोस्तों, उसका नाम है ब्लैक डॉग ब्लैक रिजर्व ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। इस विस्की को ऑन करती है कंपनी जिसका नाम है डीआईजीओ। नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो विस्की है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग स्कॉच विस्की है बाय वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल वाइन एंड स्प्रिट रिसर्च। मतलब देखिए कहां कहां पे रिसर्च करते हैं, रिसर्च करते करते ये बॉटल हमारे हाथ के अंदर आई गई। और ये विस्की डिस्टिल्ड एज और बॉटल होती है स्कॉटलैंड के अंदर, वहां से सीधे आती है आप लोगों के लिए आपके ग्लास के अंदर। और लगभग 130 साल पुरानी लेगेसी है इस विस्की की। और सबसे अच्छी बात, ये विस्की अवेलेबल है मार्केट के अंदर चार वेरिएंट के अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दो वेरिएंट है वो चलते हैं। एक तो चलता है ब्लैक डॉग ब्लैक रिजर्व जिसका आज के हम रिव्यू कर रहे हैं, और दूसरी जो है वो है ट्रिपल गोल्ड। मतलब मैं जल्दी उस विस्की का भी रिव्यू करूँगा। टाइम टू अनबॉक्स दिस विस्की दोस्तों। देखिए बहुत ही शानदार पैकेजिंग है, पुरानी वाली से बिल्कुल डिफरेंट कर दिया इस बार कंपनी ने। और ये जो गोल्डन लोगो है, ये गोल्डन लोगो आपको अलग से ही दिख जाएगा, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। ब्लैक कलर की इसका जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर व्हाइट कलर की फिनिशिंग है, गोल्डन कलर के जो वर्ड्स है उसमें लिखा हुआ है, और एक बैक साइड में नोट लिखा हुआ है अबाउट दिस विस्की लेगेसी, कब ये बनी, क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स काम में लिए गए हैं इस स्कॉच को बनाने के लिए। तो चलिए इस बॉटल को हम निकाल लेते हैं इसके बॉक्स से। ठीक है, तो ये है हमारी शानदार ब्लैक डॉग, जैसे कि आपको बॉटल दिख रहा है। बॉटल की जो शेप है पुरानी वाली कंपेयर में इस बार चेंज कर दिया गया है। तो चलिए इस बॉटल को हम टियर कर लेते हैं, इसको जस्ट घुमाना है और अनबॉक्सिंग हो जाएगी हमारी शानदार विस्की की। तो ये थी अनबॉक्सिंग ब्लैक डॉग ब्लेंडेड ब्लैक रिजर्व स्कॉच विस्की की। चलिए विस्की को ग्लास के अंदर पोर कर लेते हैं, बिकॉज जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई मित्रों। शायर आना सूफियाना अंदाज हो जाता है जब भी इस विस्की को मैं ग्लास के अंदर पोर करता हूं। कितनी फाइन विस्की है दोस्तों। ठीक है, तो ग्लास के अंदर हमने इस विस्की को पोर कर लिया है और शुरुआत करेंगे हम कलर के साथ। कलर इस विस्की का जैसा कि दोस्तों आपको मेरे ग्लास में दिख रहा है, डार्क गोल्ड कलर है, तसल्ली से देख लीजिए। और चलिए नोजिंग नोट्स चेक करते हैं कि आखिर नोजिंग नोट्स क्या बोल रही है ब्लैक डॉग विस्की की। चलिए वुडी एंड मॉल्टी, एंड मॉल्ट्स में भी दोस्तों स्पेशली जो वुडी एंड मॉल्टी एंड स्पेशली जो टोस्टेड मॉल्ट्स हैं उसके नोट्स मेरे को इसमें से मिल रहे हैं। स्वीट भी है, हनी के नोट्स भी मेरे को इसमें से आ रहे हैं, एंड स्पेशली जो बटर स्कॉच के नोट्स हैं वो भी मेरे को इसके अंदर से मिल रहे हैं। उसके अलावा जो फ्लोरल नोट्स हैं वो भी मेरे को इस विस्की के अंदर से मिल रहे हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इस विस्की के अंदर, बहुत अच्छे नोजिंग नोट्स हैं जो मेरे को इस विस्की के अंदर से मिले हैं। तो चलिए अब टेस्ट नोट चेक करते हैं आखिर वो क्या बोल रहे हैं इस विस्की के। क्वाइट स्मूथ विस्की है दोस्तों, मॉल्टी है, फ्रूटी है और स्वीट है। मतलब इन तीन चार चीज़ों का बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है इस विस्की के अंदर। बट मतलब वो वाला बट नहीं दोस्तों, लेकिन वाला बट बोल रहा हूँ मैं। सबसे खास बात, सबसे अच्छी बात जो मेरे को इस विस्की की लगी वो है वनीला और कैरेमल का टेस्ट।
हाँ, मतलब बहुत ही यूनिक टेस्ट है, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और उसके अलावा आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो आपको वुडी, स्पाइसी और जो ऑरेंज का फ्लेवर है वो भी इस विस्की के अंदर से मिलेगा, जैसा कि मुझको मिल रहा है, मतलब बेहतरीन जैसे कहते हैं। और अगर मैं बात करूं दोस्तों फिनिश की, तो फिनिश इस विस्की की रहेगी ड्राई स्वीट विद लॉन्ग फिनिश। ये विस्की बनी है यूनिक ब्लेंड ऑफ मॉल्ट एंड ग्रेन स्कॉच विस्की, जो कि आई है सारी की सारी स्कॉटलैंड से ही दोस्तों। और उसके बाद 8 साल के लिए इसको मैच्योर किया गया है एक यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ, मतलब अमेरिकन ओक कास के अंदर और यूरोपियन शेरी ओक के अंदर इसको मैच्योर किया गया है। उसके बाद ये शानदार बॉटल बनती है, ये शानदार जो विस्की है वो इस बॉटल के अंदर डाली जाती है और वहाँ से आती है आपके ग्लास के अंदर। अगर मैं बात करूँ अल्कोहल बाय वॉल्यूम की तो वो है 42.8%। ये विस्की लॉन्च हुई थी 1883 के अंदर, बट इंडिया के अंदर आई थी 2006 के अंदर, 2006 के अंदर ये इंडिया के अंदर आ गई थी। और प्राइस इस विस्की की है 1995 रुपये, 1995 रुपीज़ के अंदर ये विस्की की बॉटल आपको मिल जाए। तो यहाँ पे फिनिश होता है हमारा सफर आज का वित काले कुत्ते, मतलब ब्लैक डॉग ब्रो। और जिन लोगों को पसंद आया हो हमारा आज का एपिसोड अबाउट काले कुत्ते, मतलब ब्लैक डॉग ब्रो, तो लाइक और शेयर कर दीजिए हमारे इस वीडियो को। और जिन लोगों ने अपना सफर शुरू किया था काले कुत्ते, मतलब ब्लैक डॉग ब्रो, वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के मुझे बताइए कि कैसी लगी आपको ये विस्की, कैसी रही आपको इस विस्की का साथ, कैसी रही इस विस्की की जर्नी, मुझे लिख के बताइए मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए दोस्तों जाने का टाइम हो गया है, टाइम टू से गुड बाय, जल्दी आऊंगा नई विस्की स्कॉच के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना, चीयर्स एंड गुड बाय काले कुत्ते ब्रो।